कहुए विश्वास ही ईश्वर भगवान को उपरे दृढ़ विश्वास थिले सब कम आपे आपे सहज हो जाए। प्रभु जगन्नाथ केतेबेले से लीलामय तो केतेबेले रहस्यमय। जदि भगवान को उपरे आपणकर विश्वास भरोसा एवं श्रद्धा रही तेबे असंभव काम भी आपण सहज हो घटना घटी। आंतर्जातीय स्तरर लेखक थिएटर डायरेक्टर एवं फिल्म मेकर धनंजय कपूर जो से प्रयासी होती समग्र विश्व जगन्नाथ को उपरे आधारित तो एक नाटक रचना करने आज आलोचना धनंजय कपूर एवं प्रथमे तंको स्वागत करने को चाहिए अर्गस न्यूज को। सर अर्गस न्यूज में आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ की महिमा बारे में आपको कैसा पता चला? देखिए मैं आज से 7 साल पहले मैं बहुत ही तामसिक व्यक्ति था। मैं नॉनवेज खाता था और 3 टाइम नॉनवेज खाता था, शराब भी पीता था, उतना नहीं मगर जैसे लोग पीते हैं। मगर 6 दिसंबर 2014 को मैंने ये सब छोड़ दिया। मैं कृष्ण भक्त बन गया और फरवरी 2014 से मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था। और दिसंबर आते आते मेरे अंदर ऐसी भक्ति जागी कि मैंने 6 दिसंबर 2014 को नॉनवेज, अल्कोहल, सिगरेट सारी चीज़ें छोड़ दी। उसके बाद जो मैं भक्ति में डूबने लगा धीरे धीरे, तो मुझे 2015 में मैं लड्डू गोपाल अपने घर में मथुरा से लेके आया और उनकी सेवा शुरू कर दी। उसके बाद 2018 में एक दिन मैं भगवान के उसमें ध्यान में लीन था, अपने कुर्सी पे बैठे हुए मैं भगवान के ध्यान में लीन था। उनकी कुछ कथाएं थी जो भगवद गीता में मैंने पढ़ी, श्रीमद् भागवतम में मैंने पढ़ी, वो मैं याद कर रहा था। तब मेरे हृदय में एक बात आई, भगवान ऐसा लगा जिससे भगवान ने मुझे कहा, देखो मैं तुम्हारे घर में जगन्नाथ रूप में आया हूं। तो मैंने कैसे, बोले जाके अपने मंदिर में देखो। ऐसा लगा जैसे वो मुझे कह रहे हैं। मैं आंख बंद करके बैठा हुआ था और ऐसा लगा जैसे भगवान सामने हैं और मुझसे बोल रहे हैं, देखो मैं तुम्हारे घर में जगन्नाथ रूप में आया हूं। और मैं उस समय तक जगन्नाथपुरी नहीं गया था और मैं जगन्नाथ जी के बारे में जानता था मगर उतनी विस्तार से मैं नहीं जानता था। तो मैंने बोला कैसे, जाकर के मैंने देखा तो मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल हैं और बीच में माँ दुर्गा की प्रतिमा है। तो आप जगन्नाथ जी का देखें तो एक तरफ कृष्ण जगन्नाथ जी, बीच में सुभद्रा और उसके उनके दाएं तरफ बलदेव। और मैंने उस अपने मंदिर में पहली बार ऐसा देखा, क्योंकि दुर्गा जो है वो सुभद्रा का रूप है, सुभद्रा दुर्गा का रूप है या दुर्गा सुभद्रा, तो वो मैंने देखा। मैंने पहली बार देखा कि ये तो बिल्कुल वास्तविक में ये सत्य है कि वो मेरे घर में जगन्नाथ जी के रूप में आए हैं। और उसके बाद से मेरे अंदर जगन्नाथ जी के प्रति ये श्रद्धा जागृत हुई। मैंने जगन्नाथ जी का अष्टकम गाना शुरू किया और धीरे धीरे श्रद्धा ऐसी बढ़ती चली गई कि मैंने जनवरी 2021 में ये सोचा कि अब मैं ये नाटक भगवान के ऊपर करूँगा। ये मैं हमेशा देखता रहता था, ये किताब जो पुस्तक भंडार में पड़ी रहती थी कि ये भगवान के ऊपर नाटक क्यों नहीं हो रहा है। जगन्नाथ जी की इतनी अच्छी कहानी है, कैसे वो अवतरित हुए इस पृथ्वी पर, ये कहानी मुझे कहनी है। सर आपके जो नाटक है, नाटक का टाइटल क्या है और इसकी कहानी क्या है और इसमें आपका कैरेक्टर क्या है? ओके, मेरे नाटक का नाम है, बड़ा जो भगवान का है, भगवान जगन्नाथ नाटक। और इसकी कहानी वही है जो हम हमेशा से भगवान जगन्नाथ के बारे में सुनते आए हैं। भगवान जगन्नाथ कैसे इस पृथ्वी पर आए, कैसे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, और साथ में इसमें हमारे जो हमारा जो आध्यात्मिक जो कल्चर है, हमारी जो आध्यात्मिक संस्कृति है कि हम
भगवान की कोई का मूर्ति पूजन क्यों करते हैं, उनका जो अर्चा विग्रह जिसको हम कहते हैं, मूर्ति को अर्चा विग्रह कहते हैं शुद्ध हिंदी में, तो वो उस अर्चा विग्रह की पूजा हम लोग क्यों करते हैं सनातन धर्म में, उसकी भी फिलॉसफी है, उसका भी दर्शन ज्ञान है। भगवान का जो ये रूप है ये बिना हाथ और पैर के क्यों है, भगवान की आंखें इतनी क्यों बड़ी हैं, भगवान के होंठ जो हैं वो इतने फूल की तरह कैसे बाहर हैं, फूलों की पंखुड़ियों की तरह, तो इसके पीछे रहस्य क्या है, ये नाटक देखने से, इसकी कहानी जानने से आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा। और ये हमारे नवयुवकों के लिए, ये हमारे आज के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो कलयुग के कृष्ण के अवतार हैं। और आज भी आप देखते हैं नासा से और हर दुनिया के हर कोने से साइंटिस्ट आए हैं और आज तक वो नहीं पता कर पाए हैं कि भगवान के मंदिर पर जो ध्वज है वो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में कैसे लहराता है। भगवान का मंदिर जो है वो एकदम समुद्र के किनारे है, और मगर भगवान के मंदिर के अंदर आपको समुद्र की लहर की थोड़ी सी भी आवाज नहीं सुनाई देती है, ये क्यों है सर? COVID-19 का सिचुएशन है, अब कहाँ और कितना दिन लगा रिहर्सल में, कितना दिन? देखिए, हमने 21 जनवरी से ये रिहर्सल शुरू किया था, और उस समय कोविड थोड़ा कम हो गया था, 21 जनवरी 2021 को, तो 2 महीने हमने इसको वहाँ ऑडिटोरियम में रिहर्सल किया 21 मार्च तक। उसके बाद हमने, तब तक हमारा 2 घंटे का नाटक प्रिपेयर हो गया था, 6 महीने के रिहर्सल के बाद ये नाटक तैयार हुआ है, और हर दिन हमने कम से कम 5 से 6 घंटे रिहर्सल किए। मैं इसमें महाराज इंद्रद्युम्न की भूमिका निभा रहा हूँ, और उनका डायलॉग है, क्या वो ब्राह्मण शिल्पी विश्वकर्मा थे, और मैंने ऐसे ब्राह्मण शिल्पी की अवहेलना की है, क्या मैंने उनको दिया हुआ अपना क्षत्रिय वचन तोड़ दिया? नहीं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे घोर पाप के उपरांत मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। हाँ, जय हील, मुझे अपनी तलवार दो, मुझे अपनी तलवार दो जय हील। इस जो नाटक है, नाटक के पूरा करने के समय कुछ आर्थिक समस्या है क्या? हाँ, देखिए, ये समस्या भी है और मेरी ये परीक्षा भी है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कोविड के कारण हमें कोई कॉरपोरेट स्पॉन्सर नहीं मिल पाया है, और तो अभी तक हमने अब एक काम किया कि हमने क्राउडसोर्सिंग लिंक शुरू किया है। मैं अपने सारे दर्शकों को जो ये देख रहे हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि आप अपने फेसबुक पे जाकर भगवान जगन्नाथ नाटक पेज को लॉगिन करें और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें, और वहां एक milab.org का एक लिंक है, उस लिंक पे जाकर के आप अपने इच्छा अनुसार, अपनी भक्ति अनुसार आप जो भी दान देना चाहें, क्योंकि हमें कॉस्ट्यूम बनाना है, हमें सेट बनाना है, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग सब इस नाटक से जुड़े। दृढ़ संकल्प एवं ईश्वर को आशीर्वाद बस और कौन दरकार। कोरोना काल में जगन्नाथ को प्रचार प्रसार पाई
धनंजयंकर एभली उद्यम प्रशंसनीय नुहे कि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन टुना मंडल कविता स्वाई अर्गस न्यूज़।